दोस्तों, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को सामान्य गतिविधियों को करते समय सांस लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती या फिर चलने फिरने के दौरान सांस फूलने की शिकायत नहीं होती, तो उसका मतलब है कि उनके फेफड़े स्वस्थ और मजबूत हैं। लेकिन कई बार प्रदूषण, धूल मिट्टी, धूम्रपान या फिर गलत खान पान के कारण लंग्स कमजोर हो जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप अपने फेफड़ों को हेल्दी रखेंगे और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। मेथी की चाय पिए। मेथी के दाने आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक चम्मच मेथी दाने को थोड़े से पानी में 4 से 5 मिनट तक उबालें और फिर इसे छानकर गर्म गर्म ही पी लें। मेथी की यह चाय आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी मानी जाती है। आप दिन में 1 से 2 कप मेथी की चाय पी सकते हैं। ध्यान रखें, इसमें शहद या चीनी ना मिलाएं। क्यों फायदेमंद है मेथी? मेथी की चाय पीने से शरीर में बलगम घटता है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारियां जिनके कारण फेफड़ों में इन्फेक्शन पैदा होता है और बलगम ज्यादा मात्रा में जमा होने लगता है, मेथी की चाय बलगम को तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। विटामिन से भरपूर होनी चाहिए डाइट। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि विटामिन युक्त फूड्स के सेवन से फेफड़े मजबूत रहते हैं। हेल्दी लंग्स के लिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई की शरीर में पूर्ति जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार शरीर में विटामिन सी और विटामिन ई की कमी से लोगों में रेस्पिरेटरी डिजीज का खतरा बढ़ता है। वहीं विटामिन डी शरीर को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, साथ ही फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है। गाजर, मटर विटामिन ए के बेहतरीन स्रोत हैं। वहीं विटामिन डी से भरपूर होता है मशरूम, दलिया, साबुत अनाज, गाय का दूध और दही। विटामिन ई की पूर्ति के लिए बादाम खाएं और खट्टे फलों के जरिए विटामिन सी मिल जाएगा। गुनगुना पानी पिएं। फेफड़ों में बलगम का जमा होना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। गुनगुना पानी पीने से बलगम टूटता है और तरल बनता है, जिससे इसे निकलने में आसानी होती है। इसीलिए फेफड़ों को स्वस्थ रखने का एक बेहद आसान उपाय यह है कि आप गुनगुना पानी पिएं। पानी के अलावा दूसरे तरह का तरल आहार जैसे जूस, शरबत, नींबू पानी, छाछ, दूध आदि पीते रहने से भी शरीर में हाइड्रेशन बना रहता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। धूप सेकना भी है जरूरी। धूप को विटामिन डी का नेचुरल सोर्स माना जाता है, जो फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में धूप सेकना फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये शरीर को बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। ऐसे में किसी रोग से जूझने का खतरा कम होता है। इसीलिए कम से कम 20 मिनट भी रोजाना धूप सेकने से फेफड़े ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। प्राणायाम करें। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम से बेहतर कोई उपाय नहीं है। बताया जाता है कि प्राणायाम की खोज ही फेफड़ों और श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हुई थी। सबसे पहले जमीन पर पीठ सीधी करके बैठ जाइए। अब अपने आंखों को बंद करें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले जाएं। फिर अपने नाक से बाहर की वायु को धीरे धीरे खींचे और पेट में हवा को भरने दें। इस दौरान आपका पेट और सीना हवा से फूल जाना चाहिए। अब 5 सेकंड तक सांसों को रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। इस क्रिया को दिन में कम से कम 10 बार करें। अन्य जरूरी टिप्स। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि आप धूम्रपान ना करें। इसीलिए अगर अभी आप धूम्रपान या स्मोकिंग करते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हेल्दी चीजें खाएं। फास्ट फूड और जंक फूड आपके फेफड़ों को कमजोर बनाते हैं और बीमार करते हैं। जितना संभव हो सके प्रदूषण से बचें। अगर आप बाइक चलाते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। धन्यवाद।